sum was invested as on simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at a 3% higher rate, it would have fetched rupees 72% more. The sum is. It would have fetched rupees 72 more. ठीक है, देखो क्या कर रहा है. एक principal था, उसको 2 साल के लिए हमने ब्याज पे चढ़ाया, interest पे दिया. कह रहा है अगर यही, if the rate was 3% more, ठीक है, तो क्या होता, अर्निंग कितनी होती, अर्निंग 72% मोर, अर्निंग वॉज 72 रुपीज मोर, ठीक है, परसेंट नहीं आएगा, रुपीज आएगा, तो क्या होता, तो अर्निंग होती 72 रुपीज ज्यादा. क्लियर है ये? कितने साल के लिए है ये 2 साल के लिए है, ठीक है, ये बात कितने साल की है, ये 2 साल की है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% ज्यादा करता तो कमाई कितनी होती, 72 रुपीज ज्यादा. ये कितने साल के लिए होता, 2 years, 2 साल के लिए, ठीक है. अब यही दोबारा लिखता हूं, इफ द रेट वॉज 3% मोर, अर्निंग वॉज रुपीज 36 मोर, क्या होता, 1 year के लिए, ठीक है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा होता, इफ द रेट वॉज 3% मोर, अर्निंग वॉज रुपीज 36 मोर 1 साल के लिए, तो 3% से कितना आता, 36 रुपीज, यानी 3% ऑफ प्रिंसिपल 36, तो 1% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो गया, 12, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 12 के आगे 20, ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज प्रिंसिपल हो गया, 1200 रुपीज.